तो आज हम लोग बनाएंगे एक ऑटोमेटिक कैरेट एंड पोटेटो फार्म, जहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना, फार्मर भाई सभी आप लोगों को सब कर देगा। ओके, तो ये है 5x5 का एक प्लेटफॉर्म है एंड हमको बीच का जो ब्लॉक है उसको तोड़ देना होगा नीचे 3 ब्लॉक तक। देन एक साइड में 2 ब्लॉक हटा देना होगा एंड वहाँ पर 2 चेस्ट लगा देना होगा। देन उस चेस्ट से कनेक्ट करके हम लोग को यहाँ पर 16 हॉपर लगा देना होगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर से हमको ऐसे डर्ट प्लेस कर देना होगा एंड डर्ट के ऊपर एक रेल, हम लोग यहाँ पर दोनों साइड में 2 रेल लगा देते हैं एंड यहाँ पर हमको माइन कार्ट लगा देना होगा। देखो यहाँ पर सुपर माइन कार्ट एंड यहाँ पर एक माइन कार्ट। देन जो नीचे वाले ब्लॉक से जिसको हम लोग टेम्पररी लगाया है उसको तोड़ देना होगा, तो फिर माइन कार्ट नीचे गिर जाएगा। ऐसे बाकी 2 में हम लोगों को फिर से कर देना होगा। ओके, तो हमारा 1 लाइन कम्प्लीट हो गया है एंड ऐसे हमको यहाँ पर पूरा का पूरा 16 हॉपर के ऊपर ऐसे 16 माइन कार्ट विद हॉपर लगा देना होगा। ओके, तो ऐसे 16 माइन कार्ट लगाने के बाद ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग डर्ट से कवर कर देना होगा। तो पहले जो हम लोग 5x5 का एरिया बनाया था उसका चारों साइड में हम लोगों को यहाँ पर 3 ब्लॉक हाइट पे ग्लास लगा देना होगा। तो ग्लास लगाने के बाद हमको पूरा का पूरा लैंड को हॉस से ए कर देना होगा, इसका नाम नहीं पता लेकिन ए कर देना होगा। ओ, यहाँ पर तो मैं पानी डालना भूल गया, यहाँ पर हमको एक कोने पे पानी भी डाल देना होगा। देन विलेजर्स के लिए एक बेड एंड उसका फार्मिंग के लिए एक कंपोस्टर भी हमको लगा देना होगा। देन मैं यहाँ पर कैरेट लगा देता हूँ, आपको अगर पोटेटो चाहिए तो फिर आप लोग यहाँ पर पोटेटो भी लगा सकते हो। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हम लोगों को एक विलेजर्स ले आना होगा। तो ए फार्म कैसे वर्क करते हैं इसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सारे का सारे कैरेट को बोन मिल से बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा चेस्ट खाली है, लेकिन जब हमारा फार्मर इस कैरेट को तोड़ना स्टार्ट करेगा तब कुछ उसके पास चला जाएगा एंड कुछ हॉपर विद माइनक्राफ्ट से हमारा चेस्ट पर चला जाएगी एंड ऐसे ही हमारा ए फार्म वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाले फार्म को मैं एक घर वाले लुक्स दे हूँ, क्योंकि ये एक विलेजर्स का घर है एंड यहाँ पर से वो सारा दिन मेहनत करके हमारे लिए कैरेट्स ले आती है। तो फिर आज का इस वाले वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मैं फिर भी लूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।